निर्माता पे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। यस यार, और जब जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। याद आता है, याद आ रहा है बचपन? अभी तक नहीं है वो सिर्फ। क्या कहना चाहेंगे, आज मुहूर्त हो रहा है तो कितनी खुशी हो रही है। ओके सो दिस इज माय फर्स्ट भोजपुरी मूवी। Okay, I'm from Bangalore actually. I'm from Kerala guy. So why people are asking so much questions? Why you are doing Bhojpuri movie? You can do movies in South and Tamil and Telugu. But I'm telling you this because I like Bhojpuri language. Even I watch all the movies in Bhojpuri. So I want to do a start, the start to how to do with Bhojpuri movie. But I want to do a lot of movies, not only this one. So in continuously I'll do, even in the future I'll do more movies in Bhojpuri. साहिल बात करें रानी चटर्जी की, तो आपने कोई फिल्में देखी है इनकी? इनका या रानी चटर्जी का सब मूवी, नॉट रानी चटर्जी, इवन अमरीश का मूवी देखे, सब सबका मूवी देखता है मैं भोजपुरी में। एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ भोजपुरी मूवीज। ओके, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? सो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है भोजपुरी में और सब लोग ये देखना है, मुझे विश करना है, मुझे आपको सबको ब्लेसिंग चाहिए। जी साहिल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नसीम जी, साहिल चलो रोल गाइस। अरे उनको बोलना। चलो साहिल, क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद से इस्लामाबाद? आज मुहूर्त हो रहा है, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, कितनी खुशी हो रही है एज ए डायरेक्टर आपको? बेसिकली सर, आपने माय नेम इज साहिल सन्नी, साहिल सन्नी मेरा नाम है और भोजपुरी सिनेमा का बतौर निर्देशक ये मेरी चौथी पांचवी फिल्म है। हिंदी भी मैंने दो तीन फिल्में की है। आपने बड़ी शेर व शायरी से शुरू की, तो शेर व शायरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, और इस बार मौका मिला है तो इस बार पाकिस्तान इस्लामाबाद जाके कुछ ना कुछ बेहतर और बेहतर तस्वीर बदल देने की कुव्वत लेके आए हैं। तो आई होप सो कि ये एक प्राइमरी फैक्टर जिसको बोलते हैं मुहूर्त, यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, तो बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी होप्स लेकर आप मीडिया के मित्रों के बीच उपस्थित हूँ। दुआ करता हूँ कि वो जो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ आप लोग हमें ब्लेस करें, हमें अंदर से दुआ दे कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। थैंक यू। सर, बात करें कहानी की, किस प्रकार का कहानी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर। नाइस क्वेश्चन ब्रदर। बेसिकली सर, आवर टाइटल इज इलाहाबाद टू इस्लामाबाद। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जब कभी भी, चाहे वो क्रिकेट खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति विसाद का मैदान हो, चाहे वो फौज की रिवेंज वगैरह की बात जो है, अक्सर तो क्लैपिंग्स बनता है, मसाला बनता है। जब कभी भी पाकिस्तान को हम कुछ भी हराते हुए दिखाते हैं तो इंडिया में जो है तिरंगा झंडा की बाढ़ आ जाती है। तो आई होप सो उसी चीज़ को भुनाने की कोशिश किया है हमने, एक सच्ची घटना को लेकर। एक सीधे साधे बंदे अगर आतंकवाद से प्रभावित होते हैं और वो ठान लेते हैं, जबकि वो बहुत दलित शोषित वर्ग से है, उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को भी मार सके, वो किसी व्यक्ति विशेष से भी लड़ाई कर सके, लेकिन अगर मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हो और वो ठान लेता है कि हाउ वी कैन किल हिम, हाउ वी विल रिवेंज देन, उसी चीज़ों पे आधारित अपने सिनेमा है। तो इमोशंस, कंटेंट्स, एक्शंस, रोमांस, सारा चीज़ है, मतलब फुल्ली मसाला पैकेज ऑफ द भोजपुरी सिनेमा इलाहाबाद से इस्लामाबाद। सर, किरदार की बात करें तो कौन कौन फाइनलाइज हुआ है और कौन कौन? बेसिकली वी हैव ओनली एट प्रेजेंट रानी चटर्जी एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस इन दिस सिनेमा, दैट्स इन आवर माइंड। रानी चटर्जी इज द मेन पिलर ऑफ दैट सिनेमा। She goes to Allahabad से Islamabad and then she will revenge there. तो अभी वो हैं, बाकी बहुत सारे संभावित कलाकार हैं जो इस सिनेमा की ज़रूरत है। टाइप एक बहुत ही संभावित कलाकार हैं आपके, हमारे साहिल शेख मेरे नाम से मिलता जुलता है नाम है, और भी अर्चना प्रजापति हैं, श्रद्धा कपूर है, मनोज टाइगर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आशु भाई हैं, तो बहुत सारे लोगों को लेके एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं सर। आखिरी